बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हमने पहला फाइलम किंगडम एनिमिलिया का शुरू किया था, फाइलम पोरिफेरा। उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद हमने उसके जनरल करेक्टर को देखा था, उसके बाद हमने उसका स्ट्रक्चर देखा था। आज हम मज़ीद फाइलम पोरिफेरा के स्ट्रक्चर को देखेंगे। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कॉलर सेल्स, जो कोइनोसाइट्स जो स्पंजेस के अंदर होते हैं, उनका क्या किरदार होता है। उसके बाद स्पंजेस की फूड क्या होती है। उसके बाद हम इनकी रिप्रोडक्शन के हवाले से बात करेंगे कि इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और इसके अलावा इसकी एग्जांपल्स को देखेंगे और आखिर पे इसकी सिग्निफिकेंस पे बात करेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि फाइलम पोरिफेरा में कॉलर सेल्स या कोइनोसाइट्स। कॉलर सेल जो कोइनोसाइट्स हैं, ये हमारी जो स्पंजेस हैं उनके अंदर जो कैविटी होती है स्पंजो सील उनके अंदर होते हैं। तो वहाँ पे जब पानी वाटर इंटर होता है तो वहाँ से ऑर्गेनिक मटेरियल को निकालते हैं और उससे फूड ऑब्टेन करते हैं। यानी ये जो हैं ये लाइनें सी आपको नज़र आ रही हैं, इनको हम कॉलर कहते हैं। उसके बाद ये बालनुमा स्ट्रक्चर है जिसे हम फ्लैजेलम कहते हैं। जैसे ही इनके कॉलर के नज़दीक कोई भी जू प्लैंकटॉन लाइक अमेबा, पैरामीशियम बैक्टीरिया, कोई भी लार्वी इनके कॉलर के नज़दीक आता है तो ये इनको इनगल्फ कर लेते हैं। इसके अलावा इनका मेन काम वैसे होता है फिल्टर फीडिंग, यानी वाटर जैसे ही आता है तो इनमें से जो ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनको जो है वो निकालते हैं, उनको इनगल्फ करते हैं और उससे फूड ऑब्टेन करते हैं। उसके बाद ये कहा यह जाता है कि कोइनोसाइट्स हैं, कोइनोसाइट्स ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं। कोइनोसाइट्स की इवोल्यूशन के हवाले से बात करें तो ये इवॉल्व हुए हैं फ्रॉम कोइनोफ्लैजेलेट्स। कोइनोफ्लैजेलेट्स ये जू फ्लैजेलेट्स का एक ग्रुप है जिससे ये इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी कोइनोसाइट्स होते हैं जो फूड ऑब्टेन करने का काम करते हैं। तो कोइनोसाइट्स और जो कोइनोफ्लैजेलेट्स के जो सेल हैं इनका काम जो है वो बिल्कुल सेम है। इसी वजह से कहा जाता है कि ये कोइनोफ्लैजेलेट्स से कोइनोसाइट्स जो हैं इवॉल्व हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पंजेस जो हैं वो क्या खाते हैं, क्या ठीक है जी, यानी फूड ऑफ स्पंजेस। 20% जो स्पंजेस हैं वो जू प्लैंकटॉन और फाइटो प्लैंकटॉन को खाते हैं। अब जू प्लैंकटॉन कौन से होते हैं, यानी अमेबा है, पैरामीशियम है, छोटे ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हैं। इसके अलावा जो फाइटो प्लैंकटॉन है इनके अंदर जो एल्जी वगैरह आ जाता है। उसके बाद 80% जो खुराक है इनकी वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। ये दोनों आपसे एमसीक्यूज़ के अंदर पूछे जा सकते हैं कि 20% ये जू प्लैंकटॉन और फाइटो प्लैंकटॉन को खाते हैं और 80% ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को खाते हैं। उसके बाद मज़ीद इनके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। इनके अंदर नो एक्सक्रीटरी सिस्टम, इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं पाया जाता। तो फिर ये अपने वेस्ट कैसे बाहर रिलीज़ करते हैं, तो ये अपने वेस्ट जो है वेस्ट रिमूव्ड बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसके थ्रू ये अपने जो वेस्ट होते हैं वो बाहर रिलीज़ कर देते हैं। उसके बाद इनके अंदर कोई नर्वस सिस्टम भी नहीं होता। अब नर्वस सिस्टम नहीं होता लेकिन फिर भी इनके जो सेल होते हैं वो सेल कैन कम्युनिकेट, सेल आपस में कम्युनिकेट करते हैं। किस लिए? कंट्रोल फ्रॉम वाटर, यानी वाटर को अपने अंदर रेगुलेट करने के लिए आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। यानी इनके अंदर कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम भी नहीं होता और इनके अंदर नर्वस सिस्टम भी मौजूद नहीं होता। उसके बाद इनके अंदर एक स्केलेटन मौजूद होता है। अब स्केलेटन कहाँ पर होता है, जैसे हमने पढ़ा था पिनेकोडर्म और कोइनोडर्म के दरमियान एक जेली लाइक मटेरियल होता है, उसके अंदर अमेबॉयड सेल होते हैं और साथ एक स्केलेटन पाया जाता है जिसको हम स्पिक्यूल का नाम दिया था। तो जो स्केलेटन स्पंजेस में पाया जाता है नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्पिक्यूल्स का नाम देते हैं। ये एमसीक्यूज़ के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्केलेटन है स्पंजेस का उसको हम स्पिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद ये बनता किससे है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, सेलिका से बनता है
इसके अलावा स्पॉन्जीन एक प्रोटीन होती है, उससे जो है वो बनता है। उसके बाद जो स्केलेटन है ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट को, सपोर्ट फ्राहम करता है। उसके बाद मज़ीद हम जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। इनके अंदर दो तरह की रिप्रोडक्शन जो है वो पाई जाती है, एक को हम कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनके अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे इनके अंदर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह होती है। यानी ये स्पंजेस हैं, इनके ऊपर एक बड बनता है। जब ये बड जो है ग्रो करके इनसे अलहदा हो जाता है तो वो एक नई स्पॉन्ज बना देता है। तो ये इनके अंदर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इनके बाहर भी बड बनता है और इंटरनल बॉडी के अंदर भी बड बनता है, जिसे हम गैम्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एमसीक्यूज़ के अंदर बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि जो इंटरनल साइड पे जो इंटरनल बॉडी है स्पंजेस की, उनके अंदर भी एक बड पाया जाता है जिसे हम गैम्यूल्स का नाम देते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू बडिंग होती है। उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो ये फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि एग और स्पर्म जब मिलते हैं स्पंजेस के, तो एग के अंदर जो है वो मेसेनकाइम जो जेली लाइक मटेरियल होता है वो उनके अंदर क्वेनोसाइट्स होते हैं, वो इन स्पर्म को इनगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है वो यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी जाइगोट बनता है। जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो के बनने के बाद लार्वी स्टेज आती है और जो इनका लार्वा होता है वो मैरीन वाटर के अंदर स्विम कर सकता है। यानी इनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं जो इनको स्विम करवाते हैं। लार्वे के बाद ये मज़ीद ग्रो हो के एक न्यू स्पंजिस जो है वो बना देता है। मैंने लिखा यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म किस में होते हैं, मेसेनकाइम के अंदर। और मेसेनकाइम के अंदर क्वेनोसाइट्स होते हैं जो स्पर्म को इंगल्फ कर लेते हैं और उसके बाद जो बनती फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। एम्ब्रियो बनता है, लार्वा स्टेज आती है, लार्वा स्टेज के बाद एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। फिर जो है स्पंजेस जो हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं। व्हाट इज़ हर्माफ्रोडाइट? हर्माफ्रोडाइट हम कहते हैं कि एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर एग और स्पर्म बन रहे हों, ठीक है जी। हर्माफ्रोडाइट वो ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर ही एग और स्पर्म मौजूद, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म हो उसके ऊपर ही स्पर्म हो और एग हो। उसके बाद मोस्ट आर प्रोटेंड्रस। व्हाट इज़ प्रोटेंड्रस? प्रो कहते हैं बिफोर, एंड्रस कहते हैं मेल, यानी पहले मेल स्पर्म बनते हैं उसके बाद एग बनता है। यहाँ पे हमारा फाइलम जो पोरीफेरा है इख्तिताम पजीर होता है। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? इसकी एग्जांपल बाज़ औक़ात शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछ ली जाती हैं। इसके अंदर लाइकोसिलिनिया, यू प्लेक्टिला, साइकोन और स्पंजिला, ये चार एग्जांपल्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछी जाती हैं। इनकी सिग्निफिकेंस क्या होती है? इनकी सिग्निफिकेंस जो है इनको हम स्पंजेस को बाज़ औक़ात वॉशिंग के लिए या इसके अलावा हम नहाने के लिए भी इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक एबिलिटी होती है फ्लूइड को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए, यानी सर्जिकल जो ऑपरेशन होते हैं यानी ब्लड को अब्ज़ॉर्ब करने के लिए भी स्पंजेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कमरे को साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी स्पंजेस को इस्तेमाल किया जाता है, यानी खिड़कियों और दरवाज़ों में स्पंजेस को फिट किया जाता है ताकि उनको साउंड प्रूफ बनाया जाए। यहाँ तक हमारा पहला फाइलम किंगडम एनिमिलिया का इख्तिताम पज़ीर होता है। उम्मीद करता हूँ आप सब को ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ मैं हाज़िर होऊंगा फाइलम नाइडेरिया के साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।